ये देखिए गाइस, ये त्रिवेणी घाट का गेट है ऊपर। भीड़ रोड पे काफी भीड़ रहती है, एक गाड़ियां जा रही हैं, बार-बार जा रही हैं। अब मैं सड़क पार कर रही हूं, बड़ी मुश्किल से सड़क पार हुई है। अब देखो ये जिसे जेरा वन क्षेत्र, ये जेरा आश्रम है, इसके बगल से रास्ता जाता है त्रिवेणी घाट के लिए। ये उनका द्वार है, त्रिवेणी घाट द्वार लिखा हुआ है इस पे। अब मैं चल रही हूं। ये बगल में है जयराम आश्रम के नीचे कई सारे शॉप खुली हुई हैं। अब हम बस पहुंचने वाले हैं त्रिवेणी घाट। दो रास्ते होते हैं इनके, कई वैसे तो त्रिवेणी घाट जाने के तीन रास्ते हैं। एक ही वाला रास्ता है, एक फिर मेन मार्केट से जाता है त्रिवेणी घाट चौराहे से, फिर एक मुखर्जी मार्केट से भी जाता है। ये सीढ़ियाँ हैं गाइस, अब सीढ़ियों से हम नीचे आ रहे हैं और त्रिवेणी घाट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर काफी रस रहता है गाइस। फाइनली हमने सारी सीढ़ियाँ पार कर ली हैं, अब हम नीचे आ गए हैं। ये घाट पर आ चुकी हूँ। अब सबसे पहले गंगा जी को नमस्कार करेंगे हम। गंगा जी को सूर्यदेव को चल जल चढ़ाएंगे, सबकी मनोकामनाएं सबकी इच्छाएं पूरी करें। देखिए अभी कितना साफ पानी आ रहा है, पत्थर तक दिखाई दे रहे हैं अंदर के। जय मां गंगे, ये मां गंगे, हर हर महादेव। आज दो बच्चे खिले हुए हैं गाइस, ये मेरी बड़ी लड़की है, बेटी है। कैसे मम्मी जी आज घूमने जाना है हमें, अरे मेरी छोटी लड़की है, बेटी है, इसका नाम है खनक, प्यार से हम इसको रूही कहते हैं। मैं बहुत शैतानी है और बात भी नहीं मानती है, बात भी नहीं सुनती ज़्यादा। बहुत ठंडा पानी है गाइस, जय माँ गंगे। भीड़ भाड़ ज़्यादा है नहीं वैसे तो, हर साल होती है लेकिन इस बार कम दिख रही है। देखिए आप कितना अच्छा व्यू है, गंगा जी बह रही है और सूरज भी ज़्यादा दिख नहीं है, वो भी धुंध की वजह से छुपे हुए हैं, बादल हैं हल्के हल्के। देखिए पानी कितना साफ है। ओके गाइस, मैं अब जूते उतार रही हूँ, मैंने जूते उतार लिए हैं। अब हम मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पर टेम्प्रेरी मंदिर बनाया गया है जिसमें राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी हैं। क्योंकि आजकल रामचंद्र जी का बहुत क्रेज चल रहा है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। अब हमें तिलक लगा रहे हैं पंडित जी और संक्रांति में खिचड़ी बांटते हैं प्रसाद के रूप में। देखिए गाइस, सारे खिचड़ी ले रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा है और अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि कृपया जो भी श्रद्धालु आ रखे हैं वो खिचड़ी लें, प्रसाद लें। देखिए मैं भी खिचड़ी ले रही हूँ, आपको पता है गाइस मुझे खिचड़ी कितनी पसंद है। मेरे बहन बच्चों को भी कहा था लेकिन बच्चे मना कर रहे हैं खिचड़ी खाने के, उन्होंने पहले से नाश्ता कर रखा है। देखिए गाइस कितनी अच्छी धूप खिली है और ये खिचड़ी है, देखिए प्रसाद के रूप में। देखिए कितनी खिचड़ी है, आप हम इसे बैठ के आराम से खाएंगे। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा मौसम हो रखा है, धूप खिली हुई है, वरना 3-4 दिन से इतना मौसम खराब हो रखा था बहुत ज़्यादा। मेरी छोटी लड़की, ये मेरी बड़ी बेटी, स्माइल। अब देखिए मैं खिचड़ी खा रही हूँ, अब बताऊंगी कि कैसे बनी है। और देखिए यहाँ कितनी धूप खिली हुई है,
पे लोग बैठे हुए हैं लेकिन ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। वैसे तो संक्रांति में भीड़ भाड़ अच्छी खासी होती है, लेकिन इस बार 2 दिन की संक्रांत पड़ रही है, 14 तारीख और 15 तारीख की। ये देखिए ये इतना रस हो रखा है कितना, उस हिसाब से भीड़ नहीं देते। आइए मेरे साथ, मैं आपको अब ट्रेन में लिखा और घुमाती हूँ। वहाँ सामने एक पंडाल लगा रखा है जिसमें रामायण चल रही है, रामायण जी के भजन चल रहे हैं। वहाँ पर भी रामचंद्र सीता जी और हनुमान लक्ष्मण जी की मूर्ति है। अब हम वहीं जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, देखिए गाइस हम पीछे आ गए हैं त्रिवेणी घाट के। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, व्यू है। वहाँ पर शंकर जी पार्वती जी की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं। देखिए गाइस हर हर महादेव। कैसा लगा आपको गाइस? देखिए ये शंकर भगवान जी हैं। भीड़ हिसाब से है नहीं, हम आगे चलेंगे, थोड़ा और घूमेंगे। तो मैंने साथ आपको और दिखाती हूँ। तो गाइस कैसा लगा आपको? प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अंगूरी की व्लॉग्स 98। मैं आज ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी और आपको ऋषिकेश हरिद्वार के दर्शन कराते रहूँगी गंगा मैया की। थैंक यू। वैसे क्राउड बहुत कम है। ये देखिए एक अंकल जी ने लगा रखी हैं, स्टैंड लगा बेच रहे हैं। हम उनसे पूछने जा रहे हैं कि मोबाइल स्टैंड कितने के हैं। हमने पूछा स्टैंड की कीमत कितनी है, तो अंकल जी ने 350 रुपये बोले हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा लगे क्योंकि मैंने मीशो से ऑनलाइन मंगाए थे, मैंने ऑनलाइन मंगाया था 190 रुपये का, और उसमें फ्लैश लाइट भी है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। लेकिन फ्लैश लाइट नहीं, लेकिन अंकल जी बहुत ज़्यादा मांग रहे थे 350 रुपये। तो गाइस मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही एक सेल्फ स्टिक है। ओके गाइस अब हम नहीं लेंगे, अब हम जाएंगे आगे। ये देखिए गाइस यहाँ पर लोग फोटो खिंचवा खींच रहे हैं क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। आप भी आए गाइस घूमने के लिए। ये देखिए फूल वगैरह बेच रहे हैं, दिए वगैरह गंगा जी में चढ़ाने के लिए। यहाँ लोग चीज़ें बेच के पैसे भी कमाते हैं और पुण्य भी कमाते हैं। देखिए गाइस इधर ठंड के मौसम में नहा रहे हैं, हमने नहा लिया है पहले ही। ये हमारी बेटी कुरकुरे खा रही है, कह रही थी मम्मी भूख लग रही है। बेटा क्या खा रहे हो? तोतरे। मेरी छोटी बेटी खा रही है कुरकुरे, लेकिन वो गुस्सा है, वो कुछ नहीं बोलेगी। बहुत नौटंकी आवाज है, मैंने आपसे पहले ही कहा था। देखिए कितनी नौटंकी करती है ये। ड्रामा क्वीन है, ड्रामा बाज क्वीन है, बहुत ड्रामा करती है। देखो देख भी रही। ये देखो गंगा जी, ये देखिए इसका व्यू।
कितना प्यारा व्यू है, सूर्य भगवान साफ साफ देख सकते हैं आप कि ज्यादा तेज रोशनी नहीं है सूर्य भगवान की, वो भी ठंड की वजह से चादर ओढ़ के बैठे हैं इसलिए कम दिखाई दे रहे हैं। मारेंगे थोड़ी देर के लिए बनाई थी, अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। ये देखिए इसको बोलते हैं मरीन ड्राइव, ये जो नदी की दूसरी तरफ साइंस घाट तक जाता है, ये 1.5 किलोमीटर लंबा व्यू गंगा व्यू सड़क है, इसको मरीन ड्राइव बोलते हैं। और पास से दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ से कितना अच्छा नज़ारा है, देखिए गंगा जी बह रही है, कितना प्यारा नज़ारा है गंगा जी का। वहाँ देखो आप पहाड़ों पे कितनी धुंध छाई हुई है, अभी 3 बज रहे हैं, लेकिन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है, लेकिन देखिए अभी भी धुंध है हल्की हल्की। जय मानंदे, यहाँ पे बहुत बढ़िया अच्छा लगता है, यहाँ पे आप खड़े हो सकते हो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है, तो सामने जंगल है, वहाँ से कभी कभार हाथी भी आते हैं पानी पीने के लिए, अगर कभी हाथी आएंगे तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, पर उनका आने का कोई टाइम नहीं होता, कभी भी आ जाते हैं वहाँ से हाथी। गंगा मैया में मछली भी बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे कई लोग मछली के खिलाने के लिए आटा बेचते हैं, गोलियां आटे की गोलियां, उनका धंधा चल जाता है और लोग पुण्य कमा लेते हैं। ये देखिए ये है मरीन ड्राइव, काफी लोग हैं यहाँ पे, आज ठंड का मौसम है इसलिए दिन में दिखाई दे रहे हैं, वरना रात गर्मियों में दिन में। अब हम वापस जा रहे हैं, ओके गाइस बाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर।